दोस्तों नमस्कार, मैं रमनू सिंह। भाजपा को भाजपाई नहीं चाहिए, भाजपा को पुराने भाजपाई नेता नहीं चाहिए। भाजपा को इस्तेमाल हो चुके पुराने भाजपाई नेताओं की शायद अब जरूरत नहीं है, क्योंकि 70,000 थोक में कांग्रेसी लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं। भाजपा नेताओं की भाजपा सरकार में 2 कौड़ी की भी इज्जत नहीं बची है। अगर भाजपा के चुने हुए जनप्रतिनिधि नेताओं को सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करना पड़े तो इससे समझा जा सकता है कि इनकी कोई नहीं सुनता, इनकी हैसियत पार्टी के अंदर क्या बची है। सीएम शिवराज से लेकर बड़े नेता कांग्रेसियों की आवभगत में लगे हुए हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष लगा रहे हैं सीएम हेल्पलाइन, नगर सरकार एमआईसी के सदस्य शिकायत लिखा रहे हैं सीएम हेल्पलाइन में। 25 सालों के पार्षद सीएम हेल्पलाइन का सहारा ले रहे हैं, इन्हें किसने किया बेसहारा। पन्ना जिला पंचायत अध्यक्ष रविराज यादव ने सीएम हेल्पलाइन में की है शिकायत। सतना नगर निगम के एमआईसी सदस्य, भाजपा के किसान मोर्चा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य सुशील सिंह मुन्ना सीएम हेल्पलाइन में कर चुके हैं कई शिकायतें। क्या भाजपा सरकार में बैठे लोग सत्ता के अहंकार में हैं, या ट्रांसफर उद्योग के तहत खुली छूट है, जो देकर आएगा वह जाकर लेगा भी। अगर इन जैसे जिले के नेताओं की वह सुनेगा तो कैसे ले पाएगा। और फिर मासिक खर्च भी तो अब सामने आने लगा है। पैसा बोलता है, पैसे से जाने कितने पार्षद जिला पंचायत अध्यक्ष पार्टी बना लेगी। जब पूरी सरकार बना ली है तो अब इन जैसों की क्या वक्त है, क्या जरूरत है इनकी। पैसा नहीं चलता होता तो आज पन्ना में 25,000 रुपए की रिश्वत लेते एक पटवारी कैसे पकड़ा जाता। गरीब के लिए 5 किलो मुफ्त अनाज, बाकी सब सरकार का।